वेल, इस समय काफी ज्यादा माहौल गर्म है सर। वैकेंसी आ गई क्या? वैकेंसी आ गई क्या सर? एकदम हर जगह न्यूज में चल रहा है सर, वैकेंसी आ गई। बट सच क्या है? सच ये है कि अभी भी डिपार्टमेंट से कोई ऐसा पेपर रिलीज नहीं किया गया है कि भैया आपकी वैकेंसी इतनी पर्टिकुलर वैकेंसी नंबर ऑफ सीट्स आ गई है। सो आइए जानते हैं। बिफोर दैट, अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन ऑन दिस जेनिक चैनल एंड बेटा दिस इज प्रवीण। तो आपको याद होगा कि आज से अराउंड 2 महीने पहले हमने आपको बताया था कि CSEB में JEE की वैकेंसी आएगी और उस समय आने वाली थी, बट ड्यू टू द कोविड उसको डिले कर दिया गया। और वो जो डिले हुआ था उसी को अब क्या किया है, गवर्नमेंट ने अपडेट किया है, उसको कह दिया कि भैया उसको अब प्रोसेस मिलाइए और उसका वैकेंसी निकालिए। सो नो डाउट वैकेंसीज आएंगी आने वाले कमिंग डेज में, बट कितनी वैकेंसीज आएंगी, क्या उसका सर्कुलेशन है, वो अभी तक बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं किया गया। सो आप लोग बिल्कुल भी बेटा हाइपर मत होइए। इस समय क्या है, लोगों की दुकानें खुल जाएंगी जैसे ही नोटिफिकेशन निकलेगा, अरे भैया मेरा कोर्स खरीदो, मेरा हाई खरीदो, हाउ कोर्स खरीदो। बेटा बिल्कुल भी आपको हाइपर नहीं होना। और मैं ये नहीं कह रहा कि भैया मेरा कोर्स खरीदो, नहीं भैया, हमको आपको पता होगा जेनिक कभी भी बच्चों को क्या सो कॉल ट्रैप नहीं करता है, क्योंकि आप लोग बेटा मैच्योर हो, 18+ हो, आपको पता है कि कहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई की जाती है। सो आप लोग फ्री हो, इंडिपेंडेंट हो, अभी क्या करना है आपको, हाइपर बिल्कुल नहीं होना है, अपनी पढ़ाई पे पूरा आप लोग कंसंट्रेट करिए सर। और जहां तक मैं अपनी बात बताऊं यहाँ पे, तो हम इस समय हम लोग करंटली छत्तीसगढ़ से क्या कर रहे हैं बेटा, डील करते हैं चीजों को। और आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि हमारी जेनिक फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि CSEB में जॉब कर रहे हैं, और हम लोग को जो भी अपडेट मिलती है वो ऑथेंटिक मिलती है। सो अभी क्या है, अभी ये चल रहा है कि यहाँ सर्कुलर कोई अंदर नहीं निकला है। हाँ, जब वैकेंसी ऑथेंटिकेशन आ जाएगा हम ही आप लोगों को सबसे पहले बताएंगे। और क्या है अपडेट्स, ये जान लीजिए। आपको याद रखिएगा कि अब जो वैकेंसी निकलेगी वो JEE की निकलेगी, AE की वैकेंसी नहीं निकलेगी। क्यों सर? क्योंकि जहाँ तक हम लोग अंदर जानते हैं, CSEB में जितने लोग काम कर रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि अब JEE को प्रमोट किया रहा है AE के लिए, और JEE की जो वैकेंसी खाली होगी उसके लिए डिप्लोमा और BTEC क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। सो बहुत सारे लोग हैं, हमारे फैमिली है CSEB में, जिससे कि हम लोग को क्या करना है, पार्टी लेनी है, बिकॉज वो लोग प्रमोट हुए हैं अभी JEE से AE में, तो वो हमारी चलती रहेगी। बट बिफोर दैट आई एम सेइंग, आपको बिल्कुल भी हाइपर होने की जरूरत नहीं बेटा। जो भी अपडेट आएगी, ऑथेंटिकेशन अपडेट हम आपको देंगे, बस आपको क्या करना है, अपनी पढ़ाई को पूरी तरह प्रॉपर तरीके से करना है, बिल्कुल भी डिबेट नहीं होना है भैया, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी और सो कॉल्ड ट्रैप नहीं होना है भैया। जहां से तुमको सिलेक्शन मिल जाए वहां पे आप लोग डिसीजन ले लीजिए कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बिकॉज बेटा ये जो जॉब आएगी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा होंगी बेटा। और इस जॉब के लिए सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के जो डोमिसाइल हैं वही भर सकते हैं, तो ये आपके लिए अच्छी बात है कि भैया, और जो हो गया आपका जो कंपटीशन होगा वो नहीं होगा, वो आपके स्टेट से ही कंपटीशन होगा। सो आपके सेलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन का अभी इंतजार नहीं करना है, अपनी पढ़ाई बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए बेटा, टाइम बिल्कुल कम मिलेगा, और इसीलिए हम लोग पिछले 2 महीने से इस पे वर्क कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बस आपको क्या करना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, डेविएट नहीं होना है, ट्रैप सो कॉल्ड कहते हैं लोग वो भी नहीं करना है बेटा, और अपनी पढ़ाई पे फोकस करके प्रॉपर डायरेक्शन में पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है, वी जेनिक इज ऑलवेज देयर फॉर यू ऑल टू हेल्प इन एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम बेटा। ओके, अब बता दीजिए सर हमारी, हम क्या बताएं बेटा, हम कहें तो हम बता ये भी कह सकते हैं, हाँ भैया हमने CSEB क्वालिफाई किया, हमने UPPSL भी क्वालिफाई किया, हमने बेटा ISRO भी क्वालिफाई किया, हमने GATE भी क्वालिफाई किया, हमने NASA भी क्वालिफाई किया, ठीक है। तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसा बन गया है कि यहाँ पे कोई भी कुछ बोलता रहता है और आप लोग को मानने के अलावा कुछ नहीं। बेटा क्या, मैं कह दूँ आपसे, मैंने NASA में भैया जॉब किया है, मैंने क्या किया भैया, NASA से गया था मैं, मार्स पे गया था, वहाँ से मिल के आया हूँ, यहाँ पे आया हूँ। तो जब झूठ बोलना ही है तो हम बड़ा झूठ बोलते हैं बेटा, हमारा काम क्या है, या तो बोलो तो सच बोलो, और नहीं तो झूठ बोलना है तो ऐसा झूठ बोलो कि बच्चे भी समझ जाए। सो यू हैव टू डू व्हाट यू हैव टू डू बेटा, सिंपल रहिए, काम रहिए, पढ़ाई करिए बेटा, क्योंकि जॉब आपको चाहिए, बस मेहनत आपको करनी पड़ेगी, जो रास्ता देंगे हम प्रॉपर देंगे, चलना आपको पड़ेगा बेटा। और अगर आप लोग उस रास्ते पे चल जाओगे, बिलीव मी देयर इज नो वन हु कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग सिलेक्टेड। सो आराम से मस्ती करिए और थोड़ा सा कंसंट्रेट हो जाइए पढ़ाई के लिए, बिकॉज बहुत जल्दी आपकी वैकेंसी आने वाली है। और बेटा जो भी अपडेट होगी अंदर, जो भी अपडेट हमको मिलेगी, हम उनसे, जो भी हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं जो कि वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, उनके साथ पार्टी करते वक्त उनसे अपडेट ले लेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे। सो जस्ट कीप काम बेटा और अपनी पढ़ाई पे लग जाइए, कोई भी डाउट हो आप हमारे जेनिक टीम्स के साथ
इंटरेक्ट कर सकते हो। सो जाइए आराम से अपनी पढ़ाई करिए, और इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डोंट हेजिटेट टू आस्क फ्रॉम द जेनिक टीम। थैंक यू सो मच, एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड फॉर योर कमिंग अपडेट्स बेटा। थैंक यू सो मच।